नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी कुछ देर पहले हमने सीबीसी न्यूज उदयपुर पर एक न्यूज देखी, जिस न्यूज के अंदर पुलिस थानाधिकारी प्रताप नगर के कार्यों को दिखाया गया, जिसमें दिखाया गया कि कोई व्यक्ति यदि इंजेक्शन लगवाने जा रहा है, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल के काम से जा रहा है, या कोई व्यक्ति अपने किसी आवश्यक कार्य को लेकर उन दस्तावेजों के साथ जा रहा है, तो भी उन्हें पुलिस थाने के बाहर रोक दिया जा रहा है और रोक कर उन्हें अंदर बुलाया जा रहा है और उनके चालान बनाए जा रहे हैं। और उस वीडियो में यह भी दिखाया गया कि एक व्यक्ति जिसकी टांग फ्रैक्चर है, पैर पे प्लास्टर बंधा हुआ है, वह इस भीषण गर्मी के अंदर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उसके साथ वाले लोग थाने जा रहे हैं, थाने के अंदर जा रहे हैं, जहां कोरोना कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत लोगों से 2 गज की दूरी बनाने की बात की जा रही है, वहीं थाने के अंदर यदि 25-50 लोगों को एक साथ रोक दिया जाता है तो वहां 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंस और मास्क, जो मास्क लगाने की परिसंकल्पना है, वो कैसे पूरी होगी? पुलिस को कतई अधिकार नहीं है कि वह इस तरीके का इल्लीगल एक्ट करे, जब कोरोना गाइडलाइन के अंदर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि वैक्सीनेशन का व्यक्ति जा सकता है, हॉस्पिटल के काम है तो जा सकते हैं, अपरिहार्य कार्य है तो जा सकते हैं। कोरोना के अंदर वैसे ही 2 प्रकार के संकट उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जीवन के संकट से बढ़कर आजीविका का संकट पैदा हो गया है। आज जो रईस हैं, जो उच्च मध्यम वर्ग के हैं, उन्हें तो आवश्यकता ही नहीं है कहीं जाने की, क्योंकि उनके बैंक में पर्याप्त बैलेंस है, वह अपना घर गुजारा आसानी से चला सकते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो किसी मजबूरी से बाहर निकला है और हॉस्पिटल के लिए अपने जेब में 200-500 हजार रुपए लेके निकला है, अगर उनके चालान पर चालान बनाए जा रहे हैं तो सोचने की बात है कि 200-300 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला वह इंसान जो कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण घर पे बैठा हुआ है और उसके वो 200-300 रुपए भी अगर चालान के नाम पे या गलत राशि के नाम पे अगर वसूल कर लिए जाए तो उनका क्या हाल हो सकता है? 200 रुपए दिन दैनिक पर काम करने वाला एक मजदूर जब कहीं से गुजरता है और उसको रोक कर किसी रूप से अगर उसके 200 रुपए निकाल लिए जाते हैं तो वास्तव में उसके परिवार पर क्या बीतेगी? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुसंख्यक जनता ऐसी है जो दिन को कमाती है और रात को खाती है, उन लोगों पर क्या गुजरेगा? हम यह भी जानते हैं कि कौन सा पुलिस थाना कितने अधिक चालान बनाएगा उसके आधार पर उनकी रैंकिंग तय होती है, और यहां तक कि अंदरूनी बात यह होती है कि प्रत्येक पुलिस थाने को टारगेट दे दिया जाता है कि आपको इतने चालान बनाने, और जो जितने ज्यादा चालान बना के राजस्व वसूल करेगा वह सुपर हीरो साबित होगा। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ गाइडलाइंस के अंदर इस बात को कहा है कि पुलिस का काम राजस्व एकत्रित करना नहीं है, पर न जाने क्यों सरकार का ऐसा कौन सा दबाव आ जाता है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि इन्हें चालान पे चालान बनाने का काम मिल जाता है। अगर आज की तारीख में हम देखें तो कोरोना गाइडलाइन के अंदर समझाइश नहीं हो रही है, अगर किसी को रोका तो उसके चालान बन रहे और राजकोष भरा जा रहा है। राजकोष तो भर ही रहा है, लॉकडाउन पहले भी लगा था, उस लॉकडाउन के अंदर लोगों को उम्मीदें थी कि लॉकडाउन लगा है तो हमको किराया नहीं देना है, हम बच्चों की स्कूल फीस नहीं देनी है, ऑफिसेस बंद है, डिपार्टमेंट बंद है तो सैलरी आएगी। बाद में कुछ भी हुआ, चाहे उनको किराए भरने पड़े, सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की फीस पे इंस्ट्रक्शन दे दिए, लेकिन मन में एक संतोष था कि हमको कुछ राहत मिलेगी। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति ये जान रहा है कि उसका एक एक दिन जो गुजर रहा है वह उसके लिए मरणासन्न स्थिति ला रहा है। बैंकों की किस्तें ड्यू हो रही है, बच्चों की स्कूल फीस ड्यू हो रही है, घर में खाने पीने के सामान की प्रॉब्लम हो रही है। हर एक आम व्यक्ति आज एक बदहाली का जीवन जी रहा है। ऐसी अवस्था में पुलिस द्वारा आवश्यक कार्य से निकले लोगों के साथ इस तरह की शैतानी करना ही कहूंगा मैं,
इस तरह की बदमाशी करना ही कहूंगा, अपने अधिकारों का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। जब कोरोना गाइडलाइन के अंदर आप 5 लोगों को एक साथ इकट्ठे नहीं कर सकते, तो इस तरीके से लोगों की भीड़ क्यों इकट्ठी कर रहे हैं। अब बात अगर हम लाइसेंस की करते हैं, बात यदि हम गाड़ियों के आरसी और इंश्योरेंस की करते हैं, तो दावे के साथ एक बात कहता हूं कि अगर सूचना के अधिकार के अंतर्गत हम यदि ये जानकारी मांगे कि उदयपुर के अंदर जितने भी पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, उनमें कितने पुलिसकर्मियों की खुद की गाड़ियां हैं जिनकी गाड़ियां इंश्योर्ड है, तो कच्चा चिट्ठा खुल के सामने आएगा। यानी कि यदि हम प्रत्येक पुलिस कांस्टेबल सिपाही से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक के 2-व्हीलर 4-व्हीलर का इंश्योरेंस तो होगा, कोई बड़ी बात नहीं है क्या, उन सब के 2-व्हीलर कि यदि हम अगर यह डिटेल मांगे कि कितने लोगों की गाड़ियां इंश्योर्ड है, तो हजारों ऐसी गाड़ियां निकल जाएगी जो अनइंश्योर्ड है। क्या किसी ट्रैफिक पुलिस ने या किसी पुलिसकर्मी ने आज तक किसी पुलिसकर्मी का चालान बना के कोई ऐसा उदाहरण पेश किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी। उदयपुर पुलिस का बहुत अच्छा नाम है और गए 2 सालों में इतने अच्छे काम किए हैं कि हमारे उदयपुर पुलिस का नाम सिरमौर हुआ है। लेकिन वहीं पर क्यों उदयपुर पुलिस यूपी पुलिस की तरह बनती जा रही है? अच्छे कामों की हमेशा अगर तारीफ होगी तो गलत कामों के लिए बदहाली भी होगी, कहा भी जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के माध्यम से मैं उदयपुर के तमाम पुलिसकर्मियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इंसान की मजबूरियों को समझे, उनके हालात को समझे। कुछ दिनों की घटना है, गोवर्धन विलास पुलिस थाने ने एक बैरियर लगा रखा था और वहां लोगों के चालान बन रहे थे, तभी वहां से एक सीधा साधा मजदूर इंसान निकला। बात लॉकडाउन से पहले की कर रहा हूं, मैं वहां खड़ा था किसी काम से और देख रहा था कि सिपाही ने एक गाड़ी को रोका, उसको साइड में लिया गया और उससे सारी बातचीत की गई और उसके चालान के लिए 200 रुपए की रसीद काटी जा रही थी। और तभी एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, रुको मत बनाओ इसका चालान, सारे दिन में 200 रुपए कमाए नहीं होंगे, बच्चों को क्या खिलाएगा घर ले जाके। हो सकता है उसने अपनी ड्यूटी को निभाया, नहीं निभाया, लेकिन मानवता का फर्ज पूरा निभाया। उसने ये साबित किया कि वो किसी इंसान के दर्द को समझ सकता है। ऐसे पुलिसकर्मियों को हमारा दिल से सलाम रहता है। लेकिन कुछ ऐसे पुलिसकर्मी जो अपनी जेब गरम करना चाहते हैं या फिर बेवजह किसी व्यक्ति की मजबूरी को नहीं समझकर उनके खिलाफ उनके चालान पर चालान बनाना चाहते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि राजस्व वसूल करना आपका अधिकार नहीं। लेकिन आज की तारीख में समझाइश दूर गई, कोई भी पुलिसकर्मी आज की तारीख में किसी को यह समझाता हुआ नहीं मिलेगा कि कोरोना काल चल रहा है, यह कार्य आपका आवश्यक नहीं है, आपको नहीं आना चाहिए, आप यहां से पलट जाओ। अटैक तो इस तरीके से होता है उसके ऊपर कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंक उसी व्यक्ति ने फैलाया है। मैं सीबीसी न्यूज के इस वीडियो पर मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूं कि ऐसी आवाज बुलंद होना आवश्यक है। हमारे उदयपुर के कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जरूर है, वो कभी भी सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, लेकिन जो जो न्यूज चैनल सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जहां उन्हें नजर आता है कि सिस्टम गलत है, वहां अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उनको हम सलाम करते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि आपकी ये सजगता एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए बहुत ही जरूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से एक बार मैं फिर पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं निचले अधिकारियों द्वारा, अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, आम व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, कुछ लोग अगर निकले हैं तो अपने कामों को लेकर निकले हैं। और पुलिस थानों में यह काम नहीं है कि आप अनावश्यक भीड़ एकत्रित करें और अनावश्यक चालान बनाए। सोचने की बात है और जब जब ऐसा होगा तो मैं उदयपुर की जनता को कहता हूं कि आपके खिलाफ यदि कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके वीडियो बनाओ, अपनी आवाज को पोलाइटली रखो, अधिकारियों को समझाने का प्रयास करो और उसके बावजूद भी यदि वह गलत करते हैं,
यदि वह आपके अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अगर वह उल्लंघन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उनका वीडियो बनाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जागेंगे तो सबके अधिकार प्रोटेक्ट होंगे। और इस वीडियो का मकसद मेरा किसी पुलिसकर्मी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, और उन पुलिसकर्मियों का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। लेकिन जहां गलत है वहां हमारी आवाज बुलंद जरूर होगी। जब किसी बीमार को बैठा दिया जाएगा, जब किसी गर्भवती महिला को बैठा दिया जाएगा, जब वैक्सीनेशन लगाने वाले लोगों को जाने से रोक दिया जाएगा, जब आवश्यक कार्य से जाने वाले लोगों को रोककर उनका जबरन चालान मनाया जाएगा और उनके जेब में गिनती के जो 200-400 रुपए वो भी छीन लिए जाते हैं। अरे राजस्व तो वैसे ही भर रहा है, वैसे भी राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी करके कौन से आम मजदूरों को या आम जनता को राहत दे दी है। टैक्स जो उनके लग रहे हैं वो लग रहे हैं, उनके जो बेनिफिट है सरकार को उनके बेनिफिट मिल रहे हैं। मर तो एक आम व्यक्ति रहा है, पीस तो एक आम व्यक्ति रहा है। तो मैं यहां ये निवेदन करना चाहूंगा उदयपुर की जनता के साथ, यदि कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी सरकारी आला अधिकारी यदि आपके कर्तव्यों का, यदि आपके अधिकारों का दुरुपयोग करता है और अपनी दोष जमाने की कोशिश करता है, तो उसको उसके वीडियो बनाइए और पर्टिकुलर भेजना चाहे तो हमारा डिस्प्ले में जो मोबाइल नंबर दिख रहा है वहां भेजिए। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे और जहां तक जरूरत पड़ी कानूनी दाव पेचों से भी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि छोटा सा शहर है हमारा, विश्व के पटल पर बहुत बड़ा स्थान रखता है। हम नहीं चाहते हैं कि उदयपुर पुलिस भी यूपी पुलिस की तरह बदनाम हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।